Hello, and you're watching Clap Trap. We're back again, and today's video is the lesson number 4. And lesson number 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. हमने आपको बताया था कि हम क्लासेस शुरू करेंगे, हम कुछ लेसन्स या ट्यूटोरियल शुरू करेंगे ऑन इंटीरियर डिज़ाइनिंग. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी दैन प्लीज़ रीड दी डिस्क्रिप्शन बिलो, यू विल फिगर इट आउट, यू कैन रीड एवरीथिंग इन इंग्लिश. तो मिक्स्ड लैंग्वेज में बात करेंगे. फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि एक मॉड्यूल फॉलो करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द रीजंस वेरी ऑब्वियसली नोन टू यू कि लोग अलग अलग दिवाली के टाइम पे अलग अलग तरह के फीडबैक चाहते थे, तो हम लोग उसको प्रॉपरली उस फ्लो में फॉलो नहीं कर पाए. कोशिश करेंगे फॉलो करने की. ये वाले मॉड्यूल के बाद में हम एक और मॉड्यूल शुरू करेंगे, बट इस फर्स्ट मॉड्यूल को, जिसकी कि ये 4th एपिसोड है, एक और एपिसोड आएगी नंबर 5. उस 5th में हम लोग कुछ और कलर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रिक्स एंड टिप्स की, और वो है मूड बोर्ड. फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी स्टोर में जाते हैं तो हमें तरह तरह से वहाँ के सेल्स या स्टाफ मेंबर्स हमको कन्विंस करते हैं, बहुत तरह का फैब्रिक दिखाते हैं. दे शो यू लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हम उसको चूज़ नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट हैव अ क्लैरिटी इन प्लेस. जिस तरह से हमने कलर्स की क्लैरिटी इन प्लेस की थी, उसी तरह से हम आपको एक मूड बोर्ड की क्लैरिटी इन प्लेस करेंगे. मूड बोर्ड जो होता है एक तरह से आपका इमेजेस या फिर फैब्रिक के थ्रू बनाया हुआ एक बोर्ड होता है, जिसको आप पिन बोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर स्प्रेड कर लें. यानी कि इमेजेस या फैब्रिक का ऐसा कलेक्शन जो आपको पूरे घर में यूज़ होने वाले मटेरियल, बी इट फर्नीचर, फैब्रिक, कलर्स, पेंट, फ्लोरिंग, ये सब होता है. ये एक प्रोफेशनल मूड बोर्ड है जो कि कार्डबोर्ड के ऊपर बनाया गया है. इसमें आप देखें तो वी हैव कोलैबोरेटेड एवरीथिंग. इसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, राइट फ्रॉम थर्मोकोल टू फ्लोरिंग और कर्टन, फैब्रिक. फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक फ्लोरल प्रिंट है, इसका बड़ा पीस है. इसका लॉजिक ये है कि ये एक्चुअल साइज़ आपको देखने होते हैं, इसके लिए इसको एक बड़ा पीस इसका रखा गया है. इसके बाद में कुछ वुडन है जिनको हमने होम घर पे पेंट किया है. पेंट करने के बाद में इसको रखा है, ये आपके वुड का रेफरेंस होता है. यहाँ पे सोफ़ा की अपॉल्स्ट्री है, कुछ आप देखेंगे ब्लाइंड्स की अपॉल्स्ट्री है. सबसे नीचे आप एक लेयर बनाएं फ्लोर की, उसके ऊपर आप रखें कि आप किसकी हाइविंग चेयर बनाना चाहते हैं, किसका सोफ़ा बनाना चाहते हैं, एंड द मटीरियल यू वॉन्ट टू यूज़ फॉर योर ब्लाइंड्स, योर कर्टन्स एंड अदर एक्सेसरीज. वी मूव फॉरवर्ड, देयर इज़ अ स्मॉल, देखिए आप, छोटा सा एक डिश है जिसके ऊपर आप यू कैन सी कपल ऑफ कलर्स. ये जो हैं ये प्लेन है कलर्स, ये कार्पेट के हैं, इन केस यू वांट टू गो फॉर वॉल टू वॉल फ्लोरिंग और मे बी फॉर द कुशन कवर्स. ये जो आप शेड देख रहे हैं ये वॉलपेपर है, प्लेन कलर का वॉलपेपर है ये. उसके अगेंस्ट में ये कलर्स का पैलेट है छोटा सा, जिसके ऊपर आप अपने पेंट्स लगाते हैं. ये एक आपके पास और वुड का रेफरेंस है. ये अब आपको दिखाएं, ये विंडोज़ बनाता है. लुक एट दिस वन, ये विंडो के पैंस बनाए गए हैं. इसके पीछे लगे हुए फ्लोरल ब्लाइंड्स से आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपकी विंडोज़ कैसे दिखने वाली है. कुछ इसके अंदर फैब्रिक यूज़ किया हुआ है जो कि कुशन के लिए है, और साथ में कुछ ऐसा फैब्रिक है जो सोफ़ाज़ हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मरून कलर का सोफ़ा चाहिए तो उसके साथ में आप कौन सा कॉन्ट्रास्ट कलर का कुशन रखेंगे, साथ में कॉन्ट्रास्ट कलर का किस तरह से उसके ऊपर एक और हाइविंग चेयर बनाएंगे. सो ओवरऑल एक मूड बोर्ड क्रिएट होता है. सारे का सारा एक देयर इज़ अ हार्मनी, देयर इज़ अ फैमिली इज बीइंग फॉलोड इन दिस होल मूड बोर्ड. लाइक व्हाट काइंड ऑफ वुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दी वुड. वुड का कलर आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और आपको फिर से रिमाइंड करा दें, इन द प्रीवियस वीडियो वी शेयर्ड कि आप लाइट टोन या फिर डार्क टोन में जा सकते हैं. अगर आप वार्म टोन्स फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली आपके जो आपको वुड पे कलर होता है वो डिफरेंट होता है, वो वार्म होता है. और जब आप लाइटर शेड में जाते हैं तो आपके सारे के सारे वुड के पैनल्स जितने भी हैं, विंडो पेन्स, डोर्स एंड विंडोज़, वो सारे वार्म कलर्स में जाते हैं, प्रेफरेबली वाइट एंड बेज. सो दिस इज़ हाउ अ मूड बोर्ड लुक्स लाइक. ये ऐसा दिखता है, यू डोंट हैव टू मेक इट दिस वे. और ये बड़ा ईजी होता है बनाना, ट्रस्ट मी. इससे आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा. जब आप इसको बना लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके स्कीम में फिट नहीं होती, आप उसको निकाल दीजिए. ये जो आप जितना भी फैब्रिक है जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपको मिल जाता है मार्केट से. जनरली लोग जो वेस्ट में हैं वहाँ पे मानते हैं कि आप इसको इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पे मिलने वाला सारा फैब्रिक स्टोर में मिल जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता. तो ये जो बोर्ड है आपको ऐसा क्रिएट करना है, तो आपको इसका एक फैब्रिक क्रिएट करना होगा. आपको मार्केट से छोटे छोटे पीस इकट्ठे करने पड़ेंगे. स्पेशली वॉलपेपर का स्वाच या फिर कि फैब्रिक का स्वाच, यानी कि कपड़ों का, ये कोई भी आपको शॉप ओनर दे देगा, और आप उसे छोटा सा एक पीस लाके अपने पास रख लें. सबको एक साथ स्प्रेड करें और नोटिस कर लें कि कौन सा ऐसा पीस है जो उसमें फिट नहीं बैठता है. And remember, उसके पीछे आप लिखते जाएं. Just to make it easy for you, I'm sharing this information. I have not read it anywhere. ये मेरा एक्सपीरियंस है. हर पीस के पीछे हम लिख लेते हैं कि हम कौन सा पीस हमने कहाँ से लिया है. So you can go back to the same store or you can purchase it from there. तो आपका कभी भी कोई भी किसी तरह का ना, you will not waste any fabric, you will not waste any color, any paint. Especially paint का भी इसमें ख्याल रखें. वाटर कलर से आप एक पेंट क्रिएट कर लें, वो भी उसके कुछ ड्रॉप्स एक लकड़ी के पीस पे डाल के रख लें जो आप अपने वॉल पे यूज़ करने वाले हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, छोटे से वीडियो में देने की कोशिश की है. फिर भी और डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको. और जाते जाते आपको एक टिप दे दें, मूड बोर्ड क्रिएट करना है तो आप थर्मोकोल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक मूड बोर्ड क्रिएट करें, हमें इमेज भेजें, वी विल लुक एट इट एंड अप्रूव इट. Thanks a lot for watching Clap Trap. Take care. Bye bye.